हेलो दोस्तों, आप सभी एकता कपूर का सुपर नेचुरल टीवी शो नागिन 6 तो जरूर देख रहे होंगे, जिसमें तेजस्वी प्रकाशन महक चहल अपनी शानदार एक्टिंग के जरिए दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करती हुई नजर आ रही है। आप सभी महक चहल को नागिन के इस लुक में काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं महक चहल को नागिन का लीड किरदार मिलने से पहले टीवी की कई मोस्ट पॉपुलर अभिनेत्रियों को लीड किरदार ऑफर किया गया था। उनके मना करने के बाद ही महक चहल को नागिन का लीड किरदार मिला। अगर आप भी जानना चाहते हैं आखिर कौन है वह अभिनेत्री, तो आप हमारी वीडियो के एंड तक बने रहे। साथ ही सुपर शो नागिन 6 में महक चहल की शानदार एक्टिंग के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नंबर 5 पर आती है सनाया रानी। जी हां दोस्तों, इस प्यार को क्या नाम दूं सीरियल से दर्शकों के दिलों में अपने लिए एक अलग ही जगह बनाने वाली सनाया रानी को तो आप सभी जानते ही होंगे। साथ ही आपको बता दें, सनाया रानी को भी नागिन 6 में महक चहल की जगह अप्रोच किया गया था, लेकिन ये सुपर नेचुरल सीरियल में अभिनय नहीं करना चाहती, जिसके चलते इन्होंने इस किरदार को मना कर दिया। नंबर 4 पर आती है संजीता शेख। जी हां दोस्तों, संजीता शेख नागिन 6 में ये अहम किरदार निभाना चाहती थी। इन्होंने इस किरदार के लिए ऑडिशन भी था, लेकिन ये स्क्रीन टेस्ट को पास नहीं कर पाए, जिस वजह से इन्हें रिजेक्ट होना पड़ा। नंबर 3 पर आती है नियति फतनानी। जी हाँ दोस्तों, नियति फतनानी को एकता कपूर ने नागिन का ये रोल ऑफर किया था, लेकिन नियति फतनानी ने इस किरदार को ये कहते हुए मना कर दिया कि मैं नागिन का लीड रोल निभाना चाहती हूँ। और एकता कपूर पहले ही नागिन के लीड रोल के लिए तेजस्वी प्रकाश को फाइनल कर चुकी थी, जिसके चलते इन्हें रिजेक्ट होना पड़ा। नंबर 2 पर आती है माहिरा शर्मा। जी हाँ दोस्तों, माहिरा शर्मा ने भी महक चहल की जगह नागिन के इस रोल के लिए ऑडिशन दिया था। माहिरा शर्मा चाहती थी नागिन 6 में इस अहम किरदार को निभाना, लेकिन ये भी इस किरदार में फिट नहीं बैठ पाई, जिसके चलते इन्हें भी रिजेक्ट होना पड़ा। नंबर 1 पर आती है अलीसा पनवर। जी हाँ दोस्तों, अलीसा पनवर को भी ये लीड किरदार ऑफर किया गया था, और अलीसा पनवर इस किरदार को करना भी चाहती थी, लेकिन इन्होंने इस किरदार को करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि ये साइड रोल नहीं निभाना चाहती। और फाइनली ये किरदार महक चहल को ऑफर किया गया। साथ ही महक चहल ने बिना कुछ सोचे समझे इस किरदार को साइन कर लिया, जिसके बाद अब आप इन्हें नागिन 6 में तेजस्वी की बड़ी बहन के किरदार में देख रहे होंगे। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, महक चहल के अलावा कौन सी अभिनेत्री नागिन के इस रोल को इनसे ज्यादा अच्छे से कर सकती थी। आप हमें उसका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।